नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में फेस बायोमेट्रिक से होगी हाजिरी। पटना से दिल्ली समेत कई शहरों के लिए होली स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध। प्रदेश में आज का मौसम रहेगा शुष्क। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। विंडो एसी और स्प्लिट एसी को खरीदने से पहले जाने जरूरी जानकारी। एसबीआई की ये सर्विस 1 अप्रैल से होगी महंगी। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज जयपुर में होगा मैच। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ओडिशा में गैर सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में लेक्चरर के पदों पर निकली भर्ती। लेक्चरर बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल विभिन्न विषयों के लिए लेक्चरर के पदों पर ओडिशा राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में राज्य चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की अधिसूचना निकाली गई है। इस भर्ती के तहत कुल 786 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती के आवेदन के लिए उम्मीदवारों को उसके आधिकारिक वेबसाइट ssbodisha.ac.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ परास्नातक डिग्री उत्तीर्ण की हो। इस योग्यता के बाद नेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में फेस बायोमेट्रिक से होगी हाजिरी। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में फेस बायोमेट्रिक से अब हाजिरी बनेगी। फेस रिकॉग्नाइजेशन बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही नए नियम को 15 अप्रैल तक जारी करने के लिए कहा गया है। छात्र और छात्राओं के साथ साथ कर्मियों की भी हाजिरी इस सिस्टम के जरिए होगी। वहीं अब तक बच्चों की इस तकनीक से हाजिरी बनाई जाती थी। प्रावैधानिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा है कि अगर किसी संस्थान में ऐसा नहीं हो सकता है तो डिवाइस की खरीदारी की जाएगी। 15 अप्रैल से पहले संस्थानों को इसकी खरीदारी की व्यवस्था लागू करनी है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे पितृपक्ष मेला के बारे में। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत सितंबर महीने से शुरू होकर अक्टूबर महीने तक चलती है। इस महीने में ये मेला भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के बाद पितृपक्ष के शुरुआत के साथ ही शुरू होता है। पितृपक्ष के समय लाखों की संख्या में लोग यहाँ श्राद्ध और तर्पण के लिए आते हैं। वैदिक परंपराओं के मुताबिक हिंदू धर्म में पितरों के लिए श्राद्ध करना एक उत्कृष्ट कार्य है और गया पिंडदान के लिए सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। पटना से दिल्ली समेत कई शहरों के लिए होली स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध। पटना से दिल्ली समेत कई शहरों के लिए होली स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध हैं। दरअसल होली को लेकर बिहार में कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। होली के बाद पटना आनंद विहार सुपरफास्ट स्पेशल दिनांक 31 मार्च से तक हर दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलाई जाएगी। इसके अलावा राजगीर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन और पटना आनंद विहार सुपर फास्ट स्पेशल 30 मार्च तक चलाई जाएगी, जबकि दानापुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का परिचालन 31 मार्च तक होगा। वहीं रेलवे की ओर से दानापुर जबलपुर होली स्पेशल और दानापुर सोगरिका होली स्पेशल का परिचालन भी किया जा रहा है। आपके अनुसार होली स्पेशल ट्रेनें चलने से यात्रियों के लिए फायदेमंद है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। SBI की सर्विस 1 अप्रैल से होगी महंगी। SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। 1 अप्रैल 2024 से कुछ चुनिंदा ATM कम डेबिट कार्ड पर अब पहले के मुकाबले 75 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। SBI के 40 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भरना होगा। इसका मतलब है कि कुछ बैंकों का डेबिट कार्ड रखना आपको पहले से काफी महंगा पड़ने वाला है। क्लासिक ग्लोबल कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड के साथ युवा गोल्ड कॉम्बो डेबिट कार्ड, माई कार्ड जैसे इमेज कार्ड और प्लेटिनम डेबिट कार्ड और प्राइड या प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड के चार्ज को भी बढ़ाया गया है। पटना एयरपोर्ट पर मात्र 100 रुपये में मिलेगी एम्बू लिफ्ट की सुविधा। पटना एयरपोर्ट पर मात्र 100 रुपये में एम्बू लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। फ्लाइट सेवा लेने वाले विमान यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब पटना एयरपोर्ट पर दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को फ्लाइट पर चढ़ने पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एम्बू लिफ्ट के जरिए फ्लाइट पर चढ़ सकेंगे। बताया जाता है कि साल 2022 में ये व्यवस्था होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं हो सका था। अब इसकी शुरुआत होने जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर अब बीमार और बुजुर्ग लोगों को काफी सुविधा होने वाली है। सुविधा सुगम भारत अभियान के तहत इसकी पटना एयरपोर्ट पर शुरुआत की गई है।
नेशनल खो खो चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंची बिहार की टीम। नेशनल खो खो चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बिहार की महिला और पुरुष टीम दिल्ली पहुंची है। नई दिल्ली में के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 56वीं सीनियर नेशनल खो खो एसोसिएशन का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 27 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक खो खो एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कुल 72 टीम हिस्सा लेने वाली है। इस प्रतियोगिता में आज महिला टीम का उत्तराखंड और पुरुष टीम का मुकाबला पश्चिम बंगाल से होगा। टेम्पररी नंबर प्लेट पर चालान कटने के जाने नियम। कई लोग नई गाड़ी पर टेम्पररी नंबर प्लेट लगाकर चलाते हैं। इससे संबंधित जानकारी होनी बेहद जरूरी है। टेम्पररी नंबर प्लेट का उपयोग नंबर प्लेट में कोई दिक्कत आने के दौरान किया जाता है। मालूम हो कि यातायात नियमों के अनुसार टेम्पररी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने से ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। इसके अलावा नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन नंबर और व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर में होनी चाहिए। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल में रजिस्ट्रेशन लेटर और नंबर येलो कलर के बैकग्राउंड में होनी चाहिए। नंबर पर प्लेट का उपयोग करने के दौरान आपकी गाड़ी एक परमानेंट रजिस्टर्ड नंबर के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक कार का रजिस्ट्रेशन नंबर 1 हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मौलाना मजहरुल हक के बारे में। ये एक शिक्षाविद, एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म पटना जिले के मानेर थाना के ब्रह्मपुर में 22 दिसंबर वर्ष 1866 में हुआ था। लोग इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक के रूप में भी जानते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड उनकी स्मृति में समर्पित की और मजहरुल हक को एक समर्पित मुस्लिम और भावुक देशभक्त बताया था। वर्ष 1981 में भारतीय डाक सेवा ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। इनकी याद में पटना में मजहरुल हक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। आगामी लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर को लेकर चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। हेलीकॉप्टर उतारने के लिए और हेलीपैड बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को जिला प्रशासन से अनुमति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना होगा। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मंजूरी मिल जाने के बाद राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर किसी विद्यालय में चुनाव की सभा है तो प्रधानाध्यापक से अनुमति लेना जरूरी होगी। विद्यालय का पठन पाठन प्रभावित नहीं हो इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। जिस जमीन पर हेलीकॉप्टर उतरेगा इसकी जानकारी भी देनी होगी। चमकी बुखार का बढ़ा खतरा, मुजफ्फरपुर में कंट्रोल रूम तैयार। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ साथ चमकी बुखार का खतरा भी बढ़ चुका है। इसके रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में विशेष कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है। एक्यूट एनसेफ्लाइटिस सिंड्रोम चमकी बुखार से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गर्मी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए चमकी बुखार पर नियंत्रण के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तत्परता दिखाई जा रही है, साथ ही समर्पण से काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियंत्रण के सफल संचालन के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस दिन से हो रही चैती नवरात्र की शुरुआत। इस साल चैती माह के नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी। रामनवमी के साथ ही महापर्व का समापन 17 अप्रैल को होगा। वहीं 8 अप्रैल से चैत्र का प्रतिपदा इस वर्ष देर रात से शुरू होने जा रहा है, इसलिए कलश की स्थापना इसके अगले दिन उदय तिथि को नवरात्र का पहला दिन मानकर किया जाएगा। आपको बता दें कि लोग इस पर्व को वसंत नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिन तक चलती है। इस दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। विंडो एसी और स्प्लिट एसी को खरीदने से पहले जाने जरूरी जानकारी। विंडो एसी और स्प्लिट एसी को खरीदने से पहले जरूरी जानकारी का होना बेहद ही जरूरी है। दरअसल कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि विंडो एसी की खरीदारी करनी चाहिए या फिर स्प्लिट एसी की खरीदारी करनी चाहिए। स्प्लिट एसी को प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है क्योंकि इसके इंडोर और बाहरी 2 यूनिट होते हैं। वहीं विंडो एसी को आमतौर पर इंस्टॉल करना काफी आसान होता है। विंडो एसी छोटे कमरे के लिए सही होते हैं क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी सीमित होती है। वहीं स्प्लिट एसी बड़े कमरे के लिए बेहतर होते हैं। स्प्लिट एसी विंडो एसी की तुलना में काफ़ी शांत होते हैं। स्प्लिट एसी कम ऊर्जा का उपयोग करती है, इस कारण इसका बिजली बिल कम आता है। प्रदेश में आज का मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में इन दिनों लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। अधिक बारिश के कारण आम किसानों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना अब करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन 30 और 31 मार्च को प्रदेश में 1 या 2 जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के करीब में रहने की संभावना जताई गई है।
पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया खुलासा। बिहार के बेगूसराय जिले में पुलिस ने लाखो थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस मौके पर पुलिस ने दो अपराधियों को नकली विदेशी शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले कई सामग्री एवं उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है, साथ ही शराब को भी जब्त किया है। मालूम हो कि बिहार पुलिस शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, इसी कड़ी में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, साथ ही शराब के तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, इसके साथ ही आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भाकपा माले ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। भाकपा माले ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया है। इन 40 स्टार प्रचारकों को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें दीपांकर भट्टाचार्य, धीरेन्द्र झा, श्यामचंद्र चौधरी, अमर सिंह, मीना तिवारी, शशि यादव, रामजी राय, विनोद सिंह, रवि राय, महबूब आलम, गीता मंडल, कृष्णा अधिकारी, श्वेता राज, श्रीराम चौधरी, सरोज चौबे, सुधाकर यादव, ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा आदि का नाम शामिल है। दीपांकर भट्टाचार्य के बारे में बता दें कि वो पार्टी के महासचिव भी हैं। वहीं धीरेन्द्र शाह पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कामरेड हैं। इन्हें बिहार में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया है। साथ ही लिखा है कि पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बड़े भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। मालूम हो कि इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर तंज कसा था और नाराजगी जाहिर की थी। वहीं अब नीतीश कुमार से हुए इस मुलाकात के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सेंधमारी की थी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा को उनकी पत्नी के साथ जदयू में शामिल कर लिया था। इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा, रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। आरजेडी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिमरन तिवारी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि साल 1977 में इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में इंदिरा गांधी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। वहीं साल 2014 में किसी भी तरह के वादे को पूरा नहीं करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार खैरात बांटकर चुनाव को जीतना चाहती है। सरकार की ताकतों का गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप जेल में बंद है। प्रशांत किशोर ने कहा, परिवारवाद केवल राजद और कांग्रेस ही नहीं बीजेपी में भी है। परिवारवाद की राजनीति पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए लालू यादव और उनकी बेटी मिसा भारती और रोहिणी आचार्य पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राजद में पिछले 30 साल से लालू परिवार का ही राज है। आगे उन्होंने परिवारवाद के मामले पर बीजेपी की भी चर्चा की और कहा कि केवल राजद और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी परिवारवाद है। उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा है कि बीजेपी से सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पिता कांग्रेस में विधायक और मंत्री थे। उसके बाद लालू यादव का दौर आया तो उसमें विधायक और मंत्री बने। नीतीश कुमार का दौर आया तो उसमें विधायक और मंत्री बने। जीतन राम मांझी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री बने। बीमा भारती ने पप्पू यादव को लेकर दिया बयान। विधायक बीमा भारती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पूर्णिया के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी की ओर से उन्हें सिंबल दे दिया गया है। इसके बाद वो 3 अप्रैल को नामांकन करने वाली हैं। बीते दिन उन्होंने पूर्णिया के राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ ही दावा किया कि वो पूर्णिया की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है और उन्हें पूर्णिया से महागठबंधन का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। बीमा भारती ने कहा कि पूर्णिया की जनता भगवान है। वहीं पप्पू यादव को लेकर बीमा भारती ने कहा कि वो मेरे अभिभावक हैं और वो मेरा साथ देंगे, जबकि पप्पू यादव ने भी ऐलान किया है कि वो मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया की लोकसभा सीट को नहीं छोड़ेंगे। आज गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी करेंगे नामांकन। आज गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी चुनाव के लिए नामांकन करने वाले हैं। 19 अप्रैल को गया में पहले चरण में मतदान होना है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। जीतन राम मांझी के नामांकन को लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि इस बार हार का सिलसिला खत्म होगा और मांझी अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने अपने राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन आज तक कभी वे सांसद नहीं बन पाए हैं। इस बार देखना काफी रोचक होगा कि किसे जनता अपने लिए चुनती है। भारत में युवाओं की बेरोजगारी पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट।
भारत में युवाओं की बेरोजगारी पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हाल ही में एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में भारत के अंदर रोजगार को लेकर कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके अनुसार देश में कुल बेरोजगारों में से 83% युवा बेरोजगार है। ILO ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को पब्लिश किया है। इसके मुताबिक भारत में अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें 83% बेरोजगार युवा हैं, वहीं इसमें अधिकतर युवा शिक्षित ही हैं। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज जयपुर में होगा मैच। IPL 2024 का 9वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज जयपुर में खेला जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इसमें संजू सैमसन और ऋषभ पंत के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। आरआर ने इससे पहले होम ग्राउंड पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच खेला था, इसमें 20 रनों की आरआर से जीत हुई थी। वहीं टीम अब लगातार दूसरा मैच अपने घरेलू मैदान में खेलने जा रही थी। बताया जाता है कि दिल्ली के लिए राजस्थान को हराना काफी मुश्किल होने वाला है, हालांकि दोनों टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली है। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स में आपके अनुसार कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1737 में बाजीराव प्रथम के अधीन मराठों ने दिल्ली की लड़ाई में मुगलों पर हमला किया था और उन्हें हराया था। आज के दिन वर्ष 1970 में भारतीय तबला वादक, संगीत निर्माता और संगीतकार उदय मजूमदार का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई ने भारत में सरकार बनाई थी। आज के दिन वर्ष 2015 में साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। व्हाट्सएप में इंटरनेशनल UPI का पेमेंट फीचर। व्हाट्सएप में इंटरनेशनल UPI का पेमेंट फीचर शुरू होने जा रहा है। पेमेंट ऐप की तरह ही इसका विकल्प लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद वो UPI पेमेंट कर सकेंगे। वहीं अब इसमें अपडेट भी मिलने वाला है। UPI पेमेंट को भी अब ऐप का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस तरह से यूजर्स को आसानी से इंटरनेशनल पेमेंट करने का विकल्प मिल सकेगा। जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप डेवलपमेंट मोड में है। वहीं फिलहाल ये विकल्प फोन पे और गूगल पे जैसे लोकप्रिय पेमेंट एप्लीकेशन पर मिल रहा था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 24 मार्च, ऑप्शन सी है 23 मार्च, ऑप्शन डी है 27 मार्च। इसका सही उत्तर है 24 मार्च। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? ऑप्शन ए है पंकज मिश्रा, ऑप्शन बी है DY चंद्रचूर, ऑप्शन सी अरुण गोयल, ऑप्शन डी है फेलिक्सकर मैसिकेटी। इसका सही उत्तर है DY चंद्रचूर। हाल ही में कहाँ पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है मिजोरम। सोनपुर का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए है निरंजना नदी के पास, ऑप्शन बी है गंगा और सोन नदी संगम के पास, ऑप्शन सी है गंगा और गंडक संगम के पास, ऑप्शन डी है कोसी क्षेत्र के पास। इसका सही उत्तर है गंगा और गंडक के संगम के पास। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है जापान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर किया गया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रोशन कुमार, हिमांशु शर्मा, कृष्ण प्रसाद, उमेश ऋषिदेव, आशुतोष कुमार, मोहम्मद अरमान, अवधेश सिंह, शंभु कुमार, रूबी कुमारी, राधे कुमारी, विजेंद्र कुमारी भारती, सचिन कुमार, अक्षय कुमार यादव, मुकेश कुमार, राजन कुमार, नंद कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, शोभानंद ठाकुर, प्रिंस कुमार, कुमारी संजना, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की रात का सवाल है,
आपके हिसाब से राजनीति में परिवारवाद हावी है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।